ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः व्हाइटबोर्ड डिस्कवरी चैनल की तरफ से आप सभी को माता लक्ष्मी की इस त्योहार का हार्दिक शुभकामना। धन संपत्ति किसको नहीं चाहिए, लेकिन ये हर किसी के पास हर वक्त नहीं होता। इसलिए अपने घर को धन ऐश्वर्य और सांसारिक सुख से भरने के लिए हम माता लक्ष्मी को पूजते हैं। माता लक्ष्मी के चार हाथों में से दो हाथों में वो कमल के फूल धारण किए रहते हैं और अन्य दो हाथों में वो धन का कलश और धन वर्षा करते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो इंतजार किस बात की, चलिए इस त्योहार के अवसर पर जान लेते हैं कैसे हुआ महालक्ष्मी का जन्म और विवाह प्रभु के साथ। एक बार ऋषि दुर्वासा की शाप के कारण स्वर्ग के सारे देवता श्रीहीन हो गए तो सारे देवताओं में हाहाकार मच गई। वो सब मिलके भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि अगर तुम लोग असुरों के साथ मिलके समंदर मंथन करोगे तो इस समस्या का हल निकलेगा। जब सबने मंदाचन पर्वत की मदद से वासुकी नाग को डोरी बना के समंदर मंथन करने लगे तो आठवीं क्रम में देवी लक्ष्मी की आविर्भाव हुई। देवी लक्ष्मी को देखते ही असुर और देवताओं चाहते थे कि वो उनकी पास आए, क्योंकि वो धन ऐश्वर्य और अन्य सांसारिक सुख का प्रतीक थे। तो एक स्वयंवर का आयोजन किया गया जहां माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के गले में फूल माला पहना के उन्हें अपना पति रूप में चुना। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विवाह रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। इसलिए हम हर साल अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की ये त्योहार बड़े धूमधाम से पालन करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में लिख के बताइए और हो सके तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें।